जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप सबों का जो है कॉपी चेक होना शुरू हो गया है। ठीक है, सभी लोगों का कॉपी चेक किया जा रहा है। जो भी बच्चे क्लास ट्वेल्थ में एग्जाम दे चुके हैं 2023 में, उन लोगों की कॉपी चेक का प्रोसेस जो है शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है यह कॉपी चेक का प्रोसेस शुरू हो चुका है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये कॉपी चेक किया जा रहा है मैम के द्वारा। देख सकते हैं यहाँ पर सर भी बैठकर कॉपी चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक लाइन हमने यहाँ लिखा है कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। ठीक है, यदि आप कुछ बेहतर चाहते हैं, ठीक है ना, यदि आप बेहतर कुछ पाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो है आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, बेहतर मेहनत करना पड़ता है तब जाकर आप कुछ बेहतर कर पाते हैं। ठीक है, अब आपका ये कमेंट आ रहा था कि सर किस तरीके से कॉपी चेक किया जा रहा है बोर्ड एग्जाम 2023 का, इसका पूरा प्रोसेस समझा दीजिए ताकि हमें लग जाए कि हम जो है हमारा जो कॉपी लिखने का स्टाइल है वो किस स्टैंडर्ड में आता है। ठीक है, हमने कैसे कॉपी को लिखा है और हमारा मार्क्स क्या होगा, किस तरीके से हमें मार्क्स दिए जाएंगे, ये सारी जानकारी जो है आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाला है। ठीक है ना, आपके मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, उन सारे के सारे क्वेश्चन का जवाब भी आपको मिल जाएगा। देख लीजिए, जैसे बोर्ड एग्जाम 2023 की कॉपी कैसे चेक हो रहा है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये आपको समझाने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है ना, दूसरा कि किस स्टूडेंट्स को पूरा अंक मिल रहा है, और तीसरा प्रश्न आपका होगा इसमें कि किस स्टूडेंट्स को जो है अंक काटा जा रहा है, यानी आप कैसे कॉपी लिखे हैं, किस तरीके से कॉपी लिखे होंगे तो आपका ना अंक कटेगा, और कैसे कॉपी लिखेंगे तो आपको जो है पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है ना, इसके बाद यहां पर है कि क्या बिहार बोर्ड के तरफ से कॉपी को चेक करने के लिए आंसर शीट दिया जाता है। ये एक मतलब सबके मन में ऐसा सवाल है कि सर क्या बिहार बोर्ड के तरफ से जो है एक आंसर शीट दिया जाता है, जो भी कॉपी चेक करने के लिए शिक्षक वहां जाते हैं उनको एक आंसर शीट दिया जाता है, और उसी आंसर शीट के अकॉर्डिंग जो है क्या वो कॉपी को चेक करते हैं, क्या यही प्रोसेस है कॉपी को चेक करने का। ठीक है ना, इस पर भी हम बात करेंगे आज। इसके बाद अगला आपका है, ये तो आप लोग को मालूम है कि होली आ रहा है, तो होली के लिए जो है आप लोग के लिए बहुत सारा कमेंट कर रहे थे कि सर होली में कुछ ऑफर मिल जाए हम लोग को। ठीक है, जो भी बच्चे नहीं जुड़ पाए थे वो आसानी से जुड़ पाएंगे, तो ये होली के लिए एक धमाका ऑफर है। यदि आप क्लास ट्वेल्थ में मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं तो इसका फी पहले 799 था, जैसा कि आप में से बहुत सारे बच्चे को जानकारी होगा जो भी जुड़े होंगे, तो इस 799 को कम करके जो है 599 कर दिया गया है, और ये होली तक ही ऑफर सीमित है, यानी होली 8 मार्च को है। ठीक है ना, तो ये 8 मार्च तक ही है, फिर पहले वाला हो जाएगा। पहले वाला कहने का क्या मतलब कि 799 हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, इसके बाद समझिएगा, हाँ, मार्किंग करने का क्या कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट के आधार पर मार्किंग किया जा रहा है कॉपी का। ठीक है ना, किस तरीके से कॉपी को कॉपी पर अंक दिया जा रहा है, कैसे आंसर लिखने पर अंक बेहतर मिल रहा है, स्टेप वाइज मार्किंग क्या है, स्टेप वाइज कैसे मार्किंग करना है, किस तरीके से अंक मिल रहा है बच्चों को। ठीक है ना, इसका हमने पूरा पेपर कटिंग यहाँ रखा है, देख लीजिएगा, पेपर के आधार पर जो है आपको जानकारी देंगे। इंटर कॉपी जाँच को लेकर बिहार बोर्ड ने की सख्ती, परीक्षार्थियों को दिए गए अंकों की 3 स्तर पर होगी जाँच, और यहाँ पर जो है पूरा का पूरा इसका एनालिसिस हमारे पास है। ठीक है, जो बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया है कि किस तरीके से कॉपी जांच करनी है बच्चों का, कैसे मार्किंग करना है, किस बच्चों की कॉपी में बेहतर अंक आएगा और किस बच्चों की कॉपी का अंक काटा जाएगा, पूरी जानकारी आपको यहां तक मिलने वाला है। ठीक है ना, आइए बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। ठीक है, यहां से शुरू करेंगे हम कि कॉपी की जांच कैसे होती है। पहले एक बात समझिए आप कि जब आप परीक्षा देते हैं, ठीक है ना, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, किसी भी प्रकार का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको एक बात तो स्पष्ट ध्यान में रखना है, पूरी सतर्कता से आपको ध्यान में रखना है एक बात कि कॉपी में आप जितना बेहतर और जितना स्पष्ट, समझ में आ रहा है, लिखेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग मार्क्स मिलेगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। 100 का एक बात हम यही कह रहे हैं कि आपका जो प्रश्न है, यदि आप प्रश्न के अकॉर्डिंग साफ साफ अक्षरों में अपनी भाषा में, ठीक है, और टू द पॉइंट, यानी जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग टू द पॉइंट यदि आप आंसर लिखते हैं, और यदि वो बातें आपकी लिखी हुई बातें जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं यदि उनको समझ में आ गया बेहतर तरीके से, ठीक है ना,
तो आप समझ लीजिए कि आपको जो है एक भी अंक नहीं काटा जाएगा, आपको पूरा का पूरा मार्किंग आपके आंसर पर दिया जाएगा, आपको पूरा का पूरा अंक मिलने की पूरी संभावना है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसका रीजन भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जैसे आपने कॉपी लिखा, जैसे मान लीजिए कि आपको एक प्रश्न पूछा गया कि गाय पर लेख लिखे, ठीक है, या कोई प्रश्न आपको एक गणित का ही कोई प्रश्न पूछ दिया कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आंसर क्या लिखना है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, टू द पॉइंट हो गया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो स्पष्ट रूप से यदि उसको देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है आपके आंसर को देखकर वो खुश हो जाएंगे और आपको पूरा का पूरा अंक मिल जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन यदि आपसे पूछा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है और आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक है ना, या उसी प्रश्न को जो है पूरी तरीके से घुमाकर लिखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, तो आपने प्रश्न तो सही लिखा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस फोर ए बी, ठीक है ना, तो यह भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, यह भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है। लेकिन यदि यह बात उनको समझ में नहीं आया, जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको यदि समझ में नहीं आया, तो आपको अंक नहीं मिलने की संभावना होती है। बातें समझ में आई? इसीलिए एग्जाम में आपको जो है एक पूरा का पूरा ध्यान रखना होता है कि हम अपनी बात को जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको कैसे समझा पाएंगे। यदि आप अपनी बात को पूरी तरीके से समझा पा रहे हैं उनको, उनके उनकी माइंड में आपकी बातें आ रही है, जो लिखी हुई बातें हैं, तो आपको पूरा अंक दिया जाएगा, ठीक है ना। यदि उनको नहीं समझ में आया, आप कितने भी बेहतर क्यों ना लिखे हो, यदि उनको नहीं समझ में आया, आपको अंक कटेगा, आपका अंक कम हो जाएगा निश्चित रूप से। समझ में आ गया? इसलिए जो है क्वेश्चन पर लिखा होता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, सिर्फ इसलिए लिखा हुआ होता है कि विद्यार्थी का अपना शब्द यदि होगा तो वो कितना कठिन हो सकता है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं होगा, बहुत सरल भाषा होगा उसका, बहुत आसान भाषा होगा, जो कॉपी चेक करने वाले को आसानी से समझ में आ जाएगा और उसका पूरा नंबर उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यदि अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं आप कॉपी लिखने में, ठीक ना, तो आपको बेहतर अंक मिलने की पूरी संभावना होती है। चलिए अब पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। जैसे आपने कॉपी लिखा, ठीक है, तो आपका जो कॉपी होता है उसके जो फ्रंट पेज होते हैं ऊपर वाला पेज, ठीक है, आपकी कॉपी का जो फ्रंट पेज होता है ऊपर वाला पेज, जिसमें आप पूरा डिटेल लिखे हुए होते हैं, जिसमें आपका नाम, रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर, रोल कोड वगैरह जो लिखा हुआ होता है, ठीक ना, वो पेज को क्या होता है कि जैसे ही कॉपी बोर्ड में पहुंचती है उस पेज को फाड़ दिया जाता है, ऊपर वाले पेज को। इसलिए आपको जो है एग्जाम से पहले हम बताए हैं कि ये जो फ्रंट पेज के ठीक पीछे वाला पेज होता है उसमें आपको आंसर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और यदि आपने उसमें आंसर लिखा है तो समझ लीजिए कि उसका आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। बच्चे ऐसे गलती हमेशा कर लेते हैं कि ऊपर में ये जो आपका रोल नंबर, रोल कोड वाला पेज होता है इसके ठीक पीछे से लिखना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसा गलती आप कभी ना करें, क्योंकि ये वाला पेज जो है बोर्ड ऑफिस में ही रह जाता है और इस पेज को फाड़ करके इस पर जो है कोडिंग कर दिया जाता है, इस पर कोडिंग कर दिया जाता है, और जो शेष कॉपी होता है उस पर भी सेम कोडिंग कर दिया जाता है, और ये कोड जो है, समझिएगा, ये कोड बिल्कुल गोपनीय होता है, बिल्कुल गुप्त कोड होता है, ठीक है। इससे जो है कॉपी चेक करने वालों के अंदर जो है, जैसे मान लीजिए कि किसी के फुफेरा भाई, ममेरा भाई का कॉपी उसको मिल गया, नाम से पहचान जाएगा तो उसको अच्छा नंबर दे देगा। इसलिए जो है कॉपी पर मार्किंग कर दिया जाता है, कोड लिख दिया जाता है, और यही कोड जो है वहां पर मतलब दोनों पर सेम कोड डाला जाता है, और जब कॉपी चेक होकर दोबारा से रिटर्न आता है तो कोड के अनुसार मिलाकर जो है उसका रिजल्ट तैयार किया जाता है। बातें समझ में आ गई? तो ये फ्रंट पेज के पीछे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती है, वो ये फ्रंट पेज फटकर जो है इसको हटाकर बोर्ड ऑफिस में रख दिया जाता है, बाकी जो शेष आपका आंसर होता है उसको चेक के लिए भेज दिया जाता है। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? चलिए तो अब हम बात करते हैं क्या है कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी कैसे चेक हो रही है। कॉपी चेक करने का जो तरीका है वो स्टेप वाइज नंबर के आधार पर आपकी कॉपी चेक हो रही है। स्टेप वाइज नंबर क्या है हम आपको लास्ट में समझाते हैं। चलिए दूसरी बात क्या है कि किस स्टूडेंट को पूरा अंक मिल रहा है। अच्छा, किस स्टूडेंट को पूरा अंक मिल रहा है ये जानकारी हम आपको पहले ही दे दिए हैं कि जिनके भी लिखावट में, जो भी कॉपी लिखे हैं, यदि उनका लिखावट शिक्षक यानी जो चेक करने वाले हैं उनको बेहतर तरीके से यदि समझ में आ रहा है तो उनको पूरा नंबर दिया जा रहा है। ये पॉइंट नंबर वन है,
ये पॉइंट नंबर वन है कि उनको पूरा नंबर दिया जाएगा यदि उनकी बातों को शिक्षक समझ गए। पॉइंट नंबर टू, यदि आप सीरीज में आंसर लिखे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर एक के बाद क्वेश्चन नंबर दो का आंसर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर तीन का आंसर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर चार का आंसर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर पांच का आंसर, यानी यदि ऐसे सीरीज में आप लिखे हैं, ठीक है ना, यदि आप ऐसे सीरीज में क्वेश्चन का आंसर लिखे हैं तो आपके कॉपी पर मार्किंग बेहतर होने की संभावना होती है। इससे जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको यह लगता है कि बच्चा जो है बहुत मतलब बेहतर तरीके से मेहनत किया है, क्योंकि ये जो इसका लिखावट है ये बता रहा है कि सभी प्रश्नों का आंसर इसको मालूम था, इसलिए जो है ये सीरीज में कॉपी का आंसर लिखा, सॉरी क्वेश्चन का आंसर लिखा है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये बनता है। तीसरा पॉइंट जो बनता है बेहतर अंक होने का, वो तीसरा पॉइंट ये बनता है कि आपकी कॉपी, समझ लीजिए ये बहुत बड़ा हम बात बता रहे हैं आपको, ये सीक्रेट है, बिल्कुल सीक्रेट। सीक्रेट इसलिए कह रहे हैं कि हमें उन लोगों से जानकारी मिली है जो कॉपी चेक करते हैं, उन्होंने ये बताया है कि यदि 10 कॉपी मतलब अच्छा लिखावट वाला है, खुद बहुत बेहतर अंक वाला है, ठीक है ना, बहुत बेहतर अंक वाला है, बहुत अच्छा से लिखा है 10 कॉपी, ऊपर का 10 कॉपी जो हम चेक कर रहे हैं लगातार, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा लिखावट वाली कॉपी है, तो इससे क्या होता है कि टीचर जो है खुश रहता है, ठीक है, और उनको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आता है। तो और यदि उसके बीच में किसी एक ऐसे बच्चे का कॉपी आ जाता है जो नॉर्मल बच्चा है, जो बहुत अच्छा से नहीं लिखा है, उसको भी अच्छा मार्क्स दे दिया जाता है, ठीक है ना। हाँ, तो दूसरा तरीका, दूसरा चांस ये भी बनता है आपके बेहतर मार्किंग का कि यदि आपकी कॉपी वैसे बच्चों, 10 वैसे बच्चों के बीच में रखी है जो कि बेहतर लिखे हैं, ठीक है ना, जिनकी कॉपी लिखने का जो अंदाज है वो बहुत अच्छा है, और उसकी कॉपी का आंसर चेक करके शिक्षक खुश हो जाते हैं, तो आपको जो है बेहतर मार्क्स मिलने की पूरी संभावना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है, समझिएगा, सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि क्वेश्चन ना लिखते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन बिना लिखे और सीधे सीधे आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, तो यहां से भी आपके कॉपी, आपका जो मार्क्स है वो कटने की संभावना होती है, क्योंकि यदि क्वेश्चन यहां सामने लिखा हुआ है तो जो कॉपी चेक करने वाले हैं वो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके नीचे आंसर को पढ़ेंगे कि उसके अकॉर्डिंग आंसर है या नहीं है, ठीक ना। हाँ, तो इसमें उनको सहूलियत होती है, यदि आप कॉपी चेक करने वाले को खुश कर देते हैं तो नंबर आसानी से आपको मिल जाता है, क्योंकि क्वेश्चन सामने लिखा है, अब उनको क्वेश्चन खोजने की भी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग नीचे आंसर पढ़ेंगे, अच्छा आंसर होगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन आपने क्वेश्चन ही नहीं लिखा तो वो क्या करते हैं कि पहले यहां पर देखते हैं फिर क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन कौन सा नंबर है, फला नंबर का, क्वेश्चन खोजो फिर उसका आंसर देखो, इसमें वो मतलब चिलचिला जाते हैं, ठीक है। हाँ, और उनको जो है कॉपी ज्यादा से ज्यादा चेक करना भी होता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा चेक करना होता है कि पर कॉपी पर उन्हें ज्यादा, पर कॉपी के हिसाब से जो है उनको पैसा दिया जाता है, ठीक है। तो यदि वो बार बार इसमें क्वेश्चन देखेंगे फिर इधर खोजेंगे इधर, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा ना, इसलिए वो क्या कर देंगे, इतना कौन खोजने जाएगा, चलो जनरल मार्किंग कर दो, ठीक है ना, जनरल मार्किंग कर दो, तो उस समय आपके कॉपी पर जनरल मार्किंग हो जाता है। इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि जब आप क्वेश्चन लिखे, मतलब कितना टाइम लग जाएगा क्वेश्चन लिखने में भाई, बहुत ज्यादा 2-4-5 सेकंड, 10 सेकंड या 30 सेकंड या एक ही मिनट का वक्त लग जाएगा, लिख देंगे क्वेश्चन, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन लिखेंगे उसके नीचे आंसर लिखेंगे, अच्छा मार्क्स मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो इन सब बातों पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपको जो है बेहतर मार्किंग आपकी कॉपी पर की जाएगी। आगे, हाँ, किन बच्चों का जो है, किस स्टूडेंट का अंक काटा जा रहा है, वही बात, काटा जा रहा है, उनको समझ में आ गया कि जिनके लिखावट स्पष्ट नहीं है, जिन्होंने जिधर तिधर से आंसर लिखा है, जिन्होंने किताबी भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है ना, जिनके लिखावट स्पष्ट नहीं है, जिनका हैंडराइटिंग खराब है, क्योंकि जो कॉपी चेक कर रहे हैं उनको पढ़ने में ही नहीं बन रहा है, तो फिर उनको किस तरीके से जो है वहाँ मार्क्स देंगे, नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और ये सारी बात हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, ये उन लोगों का फीडबैक है जिन्होंने कि इस बार मतलब जो लोग इस बार कॉपी चेक कर रहे हैं वो लोग ही बताते हैं, मिलते हैं उन लोगों से तो बात करते हैं, तो ये बताते हैं कि अरे क्या कहे सर, मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो लिखते हैं तो पता नहीं चलता है कि लिखे क्या है, तो उनको नंबर कैसे मिलेगा, ठीक है। तो उस समय हम लोग जनरल मार्किंग कर देते हैं, नॉर्मली जनरल मार्किंग कर देते हैं, आप कितना भी ब्रिलियंट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका हैंडराइटिंग बेहतर होना चाहिए, आपका लिखावट बेहतर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, इस पर आपको बेहतर अंक दिया जाता है, समझ में आ गया। तो इन बच्चों को जो है बेहतर अंक मिलते हैं जिन्होंने क्वेश्चन के साथ आंसर लिखा है, जिन्होंने सीरीज में क्वेश्चन का आंसर लिखा है, उनको बेहतर मार्किंग किया जा रहा है। चलिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर लिखे हैं उनको बेहतर अंक मिल रहा है। आते हैं, करें, क्या बिहार बोर्ड के तरफ से जो है कॉपी को चेक करने के लिए आंसर शीट दिया जाता है, नहीं दिया जाता है। बिहार बोर्ड के तरफ से कॉपी को चेक करने के लिए आंसर शीट नहीं दिया जाता है, जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला होता है, समझेंगे।
जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला पेपर है, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव वाले पेपर को तो मशीन से चेक कर लिया जाता है, ठीक है, हाँ उसको तो मशीन से चेक कर लिया जाता है। अब सुनिएगा, जब वो मशीन से चेक कर लिया जाता है तो बाकी आपका कौन बच गया, दो अंक वाला और पांच अंक वाला। दो अंक वाले और पांच अंक वाले सवाल के लिए क्या उसको आंसर शीट बिहार बोर्ड देगी? नहीं देगी। हाँ, लेकिन इतना जरूर करती है बिहार बोर्ड कि स्टेप वाइज जो मार्किंग करना है उसका वो एक सीट दे देती है कि किस बच्चे को कितना लिखने पर कितना नंबर दिया जाना है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपसे जो है एक मान लीजिए कि दो अंक का सवाल पूछा कि टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, इसको सिद्ध करें। मान लीजिए कि ये दो अंक का सवाल है, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू, ये दो अंक का सवाल है और आपको कहा जा रहा है कि इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे आप, तो स्टेप वाइज आंसर लिखेंगे। आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना टैन इनवर्स एक्स बराबर वाई, मान लेते हैं टैन इनवर्स एक्स बराबर वाई, ये आपका इनवर्स में उधर मेन कोण में चला गया, तो ये हो जाएगा आपका एक्स बराबर टैन वाई, ठीक है ना, एक्स बराबर टैन वाई, समझिएगा ठीक से। इसके बाद हो जाएगा एक्स बराबर टैन को कॉट में बदलेंगे तो कॉट पाई बाई टू माइनस वाई, ठीक है, कॉट पाई बाई टू माइनस वाई। ध्यान से देखिएगा, एक्स बराबर हो जाएगा, ये मेन कोण में इधर इनवर्स में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू माइनस वाई, ये माइनस में इधर प्लस में आ गया, तो हो गया आपका वाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई टू। ध्यान से देखिएगा इधर, अब यहां पर वाई का मान जो है वो रख दीजिए, वाई का मान क्या है, टैन इनवर्स एक्स है ना, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर क्या करना है कि y के जगह पर tan inverse x रख देना है, यह हो जाएगा tan inverse x plus cot inverse x अब बराबर में क्या पाई बाई टू। अब समझ लीजिए कि इस आंसर को बना, मतलब ये जो कॉपी आपका है, ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर कितने स्टेप में आया, समझ लीजिए ठीक से। देखिए एक दो तीन चार पांच छ स्टेप में आ जाइए आंसर। अब जब छ स्टेप में ये आंसर आया है और इसके लिए आपको दो अंक दिया जाना है, दो अंक दिया जाना है, तो आप इस छ स्टेप को दो अंक के आधार पर देख लीजिए, ठीक है ना, देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। यदि इसमें से आपने तीन स्टेप बनाया है, ये तीन स्टेप, तो आपको एक अंक मिल जाएंगे, ठीक है ना, यदि आपने ये तीन स्टेप बनाया है तो आपको एक अंक मिल जाएंगे, आपका अंक नहीं काटा जाएगा। फिर आपने यदि ये तीन स्टेप पूरा कर लिया है तो आपको इसके लिए भी एक अंक मिल जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है बात। तो यदि आपने इतना लिखा है तो आपको एक अंक मिल जाएगा, बाद बाकी यदि आपने तीन स्टेप और लिखा है तो उसका एक अंक मिल जाएगा। और इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कि आप हिंदी का पेपर दे रहे हैं तो हिंदी में लेटर लिखने के लिए आता है, तो यदि आपने ऊपर का जो है सेवा में श्रीमान करके जो आता है, यदि आपने उसको बेहतर तरीके से लिखा है तो उसके लिए आपको एक अंक दिया जाएगा। फिर उसका जो मेन पॉइंट है यदि आपने उसको लिखा है तो उसके लिए भी आपको दो अंक दिया जाएगा, तो तीन, एक अंक और दो अंक कितना हो गया, तीन अंक। और नीचे वाला जो लाइन होता है, नीचे वाला लाइन, ठीक है ना, हाँ, आपका विश्वासी करके जो नीचे वाला लाइन होता है, यदि आपने उसको फिर अच्छा से लिख दिया है तो फिर एक अंक आपको दिया जाएगा, तो कुल मिलाकर पांच अंक हो गया। तो उसी तरीके से ये स्टेप वाइज मार्किंग है, समझ में आ रहा है, ये स्टेप वाइज मार्किंग के लिए जो है वहां से लिस्ट दिया जाता है कि किस पर कितना अंक देना है, बच्चा कितना लिखेगा तो उसको कितना अंक दिया जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए अलग होता है, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, बायो के लिए, हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए, सबके लिए अलग अलग जो है टीचर को दिया जाता है कि कितना बच्चा लिखेगा तो उसको कितना नंबर देना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आपने यदि तीन चार लाइन लिख के छोड़ दिया तो आपको कोई अंक नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक अंक या आधा अंक जो उस सीट में लिखा हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल जाता है। वहां से कोई आंसर शीट नहीं रहता है, ठीक है ना, यदि आंसर शीट रहेगा तो सभी बच्चों का अलग अलग भाषा होता है, सभी बच्चों के बनाने का तरीका अलग अलग होता है, सभी बच्चों के लिखने का भाषा अलग अलग होता है, अब उसको कहां तक मिलाते जाएगा वो उसमें है। तो इस ये सब जो अफवाहें हैं, ये पूरी की पूरी अफवाह है कि बिहार बोर्ड की तरफ से आंसर शीट दिया जाता है और उसी से शिक्षक मिला मिलाकर कॉपी चेक करते हैं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। ये क्लियर हो गया डाउट सभी लोगों का, चलिए आगे आगे। तो ये सभी लोगों को मालूम है कि होली आना आ रहा है आपका, और होली के लिए जो है आपको ये धमाका ऑफर दिया जा रहा है। यदि आप क्लास 12th में मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक ना, तो आप लोग का जो है क्लास शुरू हो चुका है लाइव क्लास, और पहले ये 799 में आपको मिलता था, अब 599 में मिलेगा और ये 8 मार्च तक मिलेगा। ये हमारा पे करने वाला नंबर है 6200122528।
जो आप मिला लेंगे अच्छा से 6200122528, इस पर फोन पे, गूगल पे, पेटीएम टोटल चल रहा है। आपको क्या करना है कि पे कर देना है, पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है, नीचे अपना पूरा डिटेल लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है और भेज देना है इसी नंबर पर, व्हाट्सएप पर आपको जो है क्लास में ज्वाइन कर दिया जाएगा। आगे देखिए, मार्किंग करने का क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपको जो है ये पेपर कटिंग के माध्यम से हम आपको समझाने वाले हैं। जो ये बिहार बोर्ड का जो है, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, इंटर परीक्षा के लिए जो है यहाँ पर ये पूरा का पूरा बताया गया है, कह रहा है कि 1200 प्रशिक्षक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम समझ लेते हैं, स्टेप के आधार पर छात्रों को मिलेगा अंक। ये सारी बातें पहले से हम आपको समझा दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 24 फरवरी से सुनो हमारे कॉपी जांच को लेकर जो है मेकर और चेकर की बोर्ड की ओर से ट्रेनिंग दी जा रही है। मेकर और चेकर क्या है समझ लीजिएगा, आपकी कॉपी को 3 स्टेप में चेक किया जाएगा इस बार, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है समझ लीजिए, देखिए 3 स्टेप में कॉपी चेक किया। देखिए विद्यार्थियों को दिए गए अंकों की 3 स्तर पर होगी जाँच। यदि एक कॉपी चेक करने वाले होंगे जो कॉपी आपका चेक कर देंगे, मार्किंग कर देंगे, ठीक ना। तो फिर चेकर के बाद जो है मेकर कॉपी चेक करेंगे, ठीक है, कि इसके द्वारा जो किया गया मार्किंग है ये सही है कि नहीं, ठीक ना। उसके बाद एक मुख्य जो होंगे, देखिए यहाँ पर प्रधान प्रशिक्षक 10% कॉपी को दोबारा जांचेंगे। तो 3 स्टेप में आपकी कॉपी की जाँच होगी, चेकर और मेकर। चेकर के बाद मेकर कॉपी जाँच करेंगे जो आपका मार्किंग करेंगे, ठीक ना, और सॉरी मार्किंग को देखेंगे कि सही मार्किंग है कि नहीं। और लास्ट में जो है जो प्रधान परीक्षक होंगे वो 10% कॉपी की जांच करेंगे, यानी 100 में से 10 कॉपी की जांच करेंगे और उसके बाद जो है उसको फाइनल मार्क्स दिया जाएगा। देखिए समिति की ओर से प्रत्येक विषय के अलग अलग मार्किंग स्कीम दिया जाएगा, इसे परीक्षक को अध्ययन करना है और इसके आधार पर ही अंक देना है। मूल्यांकन करते समय प्रश्न के अनुरूप स्टेप के आधार पर ही अंक दिए जाएंगे। यदि परीक्षार्थी ने 5 अंक के प्रश्न में 5 स्टेप की जगह 3 स्टेप लिखा है तो 3 स्टेप का अंक दिया जाएगा। बस वही समझ में आया आपको, यदि 5 स्टेप में से 3 स्टेप आप लिखे हैं तो 3 स्टेप का आपको अंक मिलेगा, 5 के 5 स्टेप लिखे हैं तो पूरा अंक मिलेगा। क्लियर हो गया है। ये चेकर मेकर क्या है ये भी आपको जो है समझ में आ जाएगा कि चेकर मतलब जो कॉपी चेक करेंगे, मेकर मतलब उसके बाद जो फाइनल मेकिंग करेंगे उसको, माने उसको चेक करेंगे दोबारा से कि आपका जो है जो चेक किया गया मार्क्स है और जो मार्क्स दिया गया वो सही है या नहीं, ठीक ना। उसके बाद फाइनल कॉपी को ये प्रधान परीक्षक 10% कॉपी की जांच करेंगे। इसके लिए हमने एक बार पहले भी वीडियो बनाया है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है कॉपी चेक करने का और आप लोग की कॉपी चेक हो रही है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अब आप अपने आप को देखें कि आपने किस कैटेगरी में अपने मतलब कॉपी को लिखा है, ठीक है। जिस कैटेगरी में आप कॉपी लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आप लोग को जो है पूरी बातें समझ में आ गई होगी बेहतर तरीके से। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों तक, जिनको भी डाउट है पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, कुछ भी डाउट रखने की कोई जरूरत नहीं है। बाद बाकी जो भी 2023-24 वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी क्लास शुरू हो गई है, हर रोज शाम 7 बजे क्लास चलता है। जो भी बच्चे जुड़ना चाहेंगे निश्चित रूप से जुड़ेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।